इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, कर्म का जो प्रभाव होता है वो नेचर ने हमको संबंधियों के बीच में रखा है, दुख कभी हमको प्रकृति से भी मिलता है और संबंधियों से भी मिलता है, पति पत्नी की जो रिश्ता है जबकि ये खून का रिश्ता नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये खून का रिश्ता नहीं है, दुनिया में सामाजिक रूप से खून का रिश्ता बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन ये रिश्ता खून का न होते हुए भी परमात्मा ने इतना इसका मजबूत किस आधार से बना दिया? क्वेश्चन बहुत अच्छी है ना, क्योंकि पूरा दुनिया मानता है खून की रिश्ता, ब्लड रिलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर वो रिश्ता तो है ही नहीं, तो रिश्ते का बनना आधार क्या हो सकता है? अगर ये रिश्ता खून का नहीं है फिर इसमें इतना मजबूती क्यों है? चाहिए रिश्ता निभाने में भी मजबूत है, रिश्ता तोड़ने में भी मजबूत है, या रिश्ता न बनाने में भी मजबूती है, ये बन के निभाने में भी मजबूत है। कौन डिसाइड किया है ब्लड रिलेशन ही सबसे बड़ा गहरा रिश्ता है? इस समाज ने दिया हुआ डेफिनेशन है, रिश्ता ब्लड रिलेशन से ही बनता है, रिश्ता बहाव से बनता है। आप किसी के व्यक्ति के प्रति अपना सोच में भी उसके प्रति राग या द्वेष अधिक समय से करते रहते हैं, वो सब अकाउंट में जमा होते होते जमते जमते वो ही आपके नज़दीक संबंध में आ जाता है। लेकिन हमने समझ लिया एक खून के रिश्ता है, एक खून के रिश्ता बना किस तरह से, एक खून का रिश्ता बना है हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जिसी के साथ हम राग से बहुत वाइब्रेशन यानी बहुत उसके प्रति संकल्पों को रचना करता है, उसकी प्रति हमारा व्यक्ति को आप उसकी कोई विशेषता को या सुंदरता को या कोई भी पोस्ट को कोई भी पोजीशन को कोई प्रकार का उसका जो भी व्यक्तित्व है उसको देख करके उसके अंदर के शुद्ध आत्मा को भूल गया, उसके अंदर के शुद्ध आत्मा को भूल करके उसका जो प्रकट जो वायु जो हमको देखने में आता है, जो व्यक्ति का संस्कार एक रूप से नहीं होता है, मूल संस्कार सबका एक होता है और अनेक प्रकार का संस्कार आत्मा इस यात्रा में कैरी करके आ जाता है जर्नी करके आ जाता है, जो वायुमंडल से भी कई संस्कार क्रिएट होता है, मात पिता से कई संस्कार क्रिएट होता है, अपने ही विल पावर से कई संस्कार क्रिएट होता है, मूल का भी एक संस्कार होता है। जब मूल के संस्कार से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो किसी भी संस्कार के प्रभाव में आते हैं, जब किसी का संस्कार के प्रभाव में आ जाता है तो उसके प्रति अति के संकल्प चलता है, वो राग बोला जाता है, राग मना अटैचमेंट। जब अटैचमेंट में किसके प्रति भी अति में हो जाता है वो हम दोनों के बीच अदृश्य रूप में इनविजिबल रूप में एक रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाता है,
इस जीवन काल में जिससे हम अधिक से अधिक राग के रूप में हम उसके साथ हम बहुत रिश्ते जोड़ते हैं, यानी उसके वो एनर्जी को इन्फ्लुएंस में आते रहते हैं, वो काल चक्र में ऐसा एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है जिसके साथ वो आत्मा का संस्कार अति के रूप में हम राग में रखा है, हम दोनों जब मिलते हैं। आपने कईयों को एक स्मॉल एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक कुमारों को भी ज्यादा होता है और हरेक को भी होता रहता है, 10 लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो 10 लोगों में एक व्यक्ति के पास जब आप पहुंचते हैं ना, इस शरीर में कई परमाणु होता है, एटम्स बोला जाता है, वो खींचता है ऐसे मैग्नेट जैसे, अनुभव है सभी को, उसके ही पास चले, उसी के ही साथ रहे, उसी के साथ समय बिताए, उसी के साथ ज्यादा समय हम अच्छे संबंध रखे, तो क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में उसके साथ बहुत अदृश्य रूप से राग का ग्रंथिया बोलते हैं परमाणु, राग का गांठे वो बांधते हैं, वो राग का परिणाम वो हमको ब्लड रिलेशन रूप में मिल करके हिसाब किताब चुप्त करने के लिए मित्र बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे वो पति हो पत्नी हो कोई भी हो, वो सब आपके हिसाब किताब के अनुसार मिला है, इसलिए उसको आप मूल रूप शुद्ध आत्मा के रूप में और परमात्मा के बच्चे के रूप में देखने का दृष्टि बदल कर दिया तो वो कर्मा डिस्चार्ज हो जाता है, आप कर्म बंधन से मुक्त हो करके कर्मातीत हो जाते हैं। समझ में है? समझ में है? तो कोई भी संबंध ब्लड से भी बहुत पावरफुल होता है, हमारा भाव। इसलिए एक मुरली में बाबा ने बताया बच्चे ब्लड रिलेशन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ईश्वरीय रिलेशनशिप है, तो ईश्वर के बच्चे हम जो हैं, हमारा रिलेशनशिप परमात्मा के ज्ञान के आधार से हुआ है, ये संबंध सुखदायी संबंध है, और ब्लड रिलेशन जो बना है वो कार्मिक अकाउंट से मिला हुआ संबंध है, उसे खुशी खुशी से चुप्त करना है, कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा कहते आप जहाँ भी हो अपने को निमित्त समझो, और जो इसके संबंध में आते हो उसको आत्मा समझो, ये एक ही हमको मुक्त होने का साधन।